नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दिलसाद। कृषि नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंथा की खेती के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ मेंथा का काफ़ी एरिया है जो कि लोग मेंथा की ही खेती करते हैं। आप चारों तरफ देख सकते हैं कि बहुत सारा मेंथा ही लगा हुआ है और हम भी मेंथा का खेत देखने आए हैं। आज हम एक किसान साथी हैं, वो भी हमारा मेंथा की खेती देखने आए हैं। चलिए उनसे हम बात करते हैं कि वो मेंथा की खेती किस प्रकार से करते हैं और अपना अच्छा उत्पादन लेने के लिए क्या क्या करते हैं। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा अवश्य देखते रहिए। तो आइए, हमारे साथ में जो है किसान साथी, इनसे हम बात करते हैं कि इनका नाम क्या है और ये किस प्रकार से मेंथा की खेती करते हैं। तो सर, आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए हमारे ऑडियंस को कि आपका नाम क्या है। हमारा नाम सलीम है। अच्छा सर, आप अपना परिचय दे दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, आप एड्रेस बता सकते हैं। जी जी बिल्कुल, हम ग्राम तुरनी के रहने वाले हैं और हमारा डिस्ट्रिक्ट जिला सीतापुर है और उत्तर प्रदेश यूपी। अच्छा, उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं जी। तो सलीम जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आपने किस चीज़ की खेती की है, किस फसल की खेती कर रहे हैं सबसे ज़्यादा मात्रा में। सर, अभी इस टाइम में तो हमने मेंथा की खेती की है। मेंथा की खेती करते हैं जी। तो सलीम जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि आप मेंथा की खेती कितने एरिया में करते हैं। सर, तीन से पाँच एकड़ में या फिर बीघे में करते हैं। बीघे में करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सलीम जी, आपने खेती करते समय कौन सी वैरायटी का यूज किया है मेंथा की फसल के लिए। सर, हिमालय का हमने चयन किया हुआ। हिमालय वैरायटी का यूज किया है। तो किसान साथियों, जैसा आप जानते ही हैं कि पिपरमिंट की तीन वैरायटियां होती हैं, एक होती कोसी, हिमालय और एक सिम क्रांति होती है। तो सलीम जी ने हिमालय वैरायटी का यूज किया है। जी जी। तो सलीम जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने जो इसके खेती का चुना है, तो इसमें किस चीज़ की बुआई करते हैं, इसमें दाने होते हैं या फिर जड़ों का बुआई करते हैं आप। जड़ का बुआई करते हैं। जड़ की बुआई करते हैं जी। तो आपको एक बीघे में कितनी जड़ की आवश्यकता होती है बुआई करने के लिए। एक बीघे में 18 से 20 किलो की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है। अच्छा अच्छा तो आप जो अब जड़ों का यूज करते हैं, तो जड़ों को संशोधित करते हैं या फिर ऐसे ही बुआई कर देते हैं। संशोधित करते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। संशोधित करने से क्या होता है किसान दोस्तों, क्योंकि इसमें रोग आने के खतरे बहुत ही कम पड़ जाते हैं। तो ये आपने जो बताया सलीम जी ने, बहुत ही अच्छी बात बताई है। तो सलीम जी, एक क्वेश्चन और हम आपसे करना चाहेंगे कि आप जो खेती करते हैं ये मेंथा की, तो इसमें कौन कौन सी खादों का प्रयोग करते हैं और कितनी बार खादों का प्रयोग करते हैं आप। सबसे पहले तो हम DAP और पोटास का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। अच्छा, और अच्छा। इसके बाद यूरिया और सल्फर का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आप यूरिया और सल्फर का बाद में प्रयोग करते हैं। मेंथा की फसल में सिर्फ दो बार। अच्छा, आप दो सिर्फ दो बार ही खाद का उपयोग करते हैं जी। तो आप जो DAP का प्रयोग करते हैं, DAP और पोटास का, तो ये किस टाइम में आप प्रयोग करते हैं। ये बुआई से पहले। बुआई से पहले मतलब खेत तैयार करने के समय आप इसमें DAP और पोटास का प्रयोग कर देते हैं जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सलीम जी, एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछना चाहेंगे। तो सलीम जी, आप ये बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से रोगों का ज़्यादातर प्रकोप होता है। सबसे ज़्यादा सर इसमें पत्ता छेदक जो है ना, तो रोग ज़्यादा होता है। पत्ता छेदक रोग होता है, जो कि एक इल्ली कीट होता है या फिर सुंडी होता है, उसी के माध्यम से लगता है ना। जी जी। अच्छा, तो सर इसके लिए आप कौन सी दवाओं का प्रयोग करते हैं, मार्केट से आप लाते हैं या फिर जैविक दवाओं का उपयोग करते हैं। सर, मैं मार्केट से ला के स्प्रे करता हूँ। अच्छा अच्छा, आप स्प्रे करते हैं मार्केट से ला के दवाओं का। तो सलीम जी, आपसे एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि आप इसमें सिंचाई कितनी बार करते हैं, क्योंकि इसमें मेंथा की खेती है, ये जो है मार्च से अप्रैल के बीच में होती है, तो इसमें सिंचाई की भी शायद आवश्यकता होती होगी। जी, सिंचाई की आवश्यकता इसलिए होती है, 2 से 3 बार करनी पड़ती है। अगर बारिश हो जाती है तो 2 बार, और अगर बारिश नहीं हो पा रही है तो 3 से 4 बार करनी पड़ जाती है। 2 से 3 बार। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो सलीम जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें जो है लगभग कितना खर्च आ जाता है। इसमें 2 से 3 हज़ार रुपये का बीघे में खर्च आता है। अगर आप मेंथा की खेती करते हैं तो एक बीघे में लगभग 2 से 3 हज़ार का खर्च आ जाता है। तो सलीम जी, एक क्वेश्चन और है मेरा कि ये 2 से 3 हज़ार रुपये का खर्च आ जाता है, तो इसमें आपको फ़ायदा कितना होता है। फ़ायदा हमको होता है 15 से 16 हज़ार। 15 से 16 हज़ार होता है। अच्छा अच्छा, तो सलीम जी, एक क्वेश्चन और है मेरा कि जो हमें मेंथा दिखाई दे रहा है, तो इसमें किसानों को क्या मिलता है, किस चीज़ की प्राप्ति होती है आपको मेंथा के फसल से। इसमें तेल मिलता है हमें। तेल मिलता है जी। तो सलीम जी, इसमें तेल आपको कैसे प्राप्त होता है।
सर इसको कटाई करके बाद में यहाँ से ले जा के फिर टंकी में पिराई करते हैं। अच्छा, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसकी पिराई की जाती है, सलीम जी बता रहे हैं कि इसकी पिराई की जाती है टंकी में, और टंकी जो होती है वो लोहे की होती है। कुछ किसान भाइयों को नहीं पता होगा कि ये किस प्रकार से मेंथा ऑयल निकाला जाता है, उसके बारे में हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में फुल जानकारी के साथ बता देंगे। तब तक के लिए हम फिर से बात करते हैं सलीम जी से कि इसकी जो कटाई की जाती है वो कितने दिनों में की जाती है। तो सलीम जी ये बताएंगे इसकी मेंथा की कटाई कब की जाती है, कितने दिनों में होती है? सर 90 से 100 दिनों में की जाती है मेंथा की कटाई। मेंथा की कटाई 90 से 100 दिनों में की जाती है। अच्छा, तो सलीम जी मेरा एक और क्वेश्चन है कि जब आप मेंथा की कटाई करते हैं तो हमें उस समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले तो धूप होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद बारिश ना हो। अच्छा, मतलब बारिश की अगर संभावना बनी होती है तो आप मेंथा की कटाई बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस समय यदि आप मेंथा की कटाई कर देते हैं तो बारिश की संभावना की वजह से आप पेराई करने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप जब बारिश की संभावना हो तो आप मेंथा की कटाई बिल्कुल ना करें। तो सलीम जी एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि ये जो मेंथा की खेती है, आपने इस समय बहुत सारी फसलें हो रही हैं हमारी एरिया में, जैसे कि गन्ने की फसल है, तरबूज की फसल है, तो आपने उन फसलों को ना चुनकर मेंथा ही क्यों चुना है? सर ये नगदी फसल है, इसको कटाई करके हम जाके आसानी से मार्केट में आप बेच देते हैं। सर पेराई करके फिर मार्केट में जाके जी सेल कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है ना, तो मेंथा का जो जानवरों से कोई खतरा भी नहीं है जी। और जो है ना, तो हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जो है ना, तो जानवर हैं, जैसे नील गाय हो गए और गाय हो गई, इसीलिए इसको जो है ना, तो वो खाती नहीं है। खाती नहीं है। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है, क्योंकि अन्य फसलें जब हम लगाते हैं तो उसमें हमें जानवरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप होता है और उसके लिए हमें मेड़बंदी भी करनी पड़ती है। और सलीम जी बता रहे हैं कि इसमें जानवर का प्रकोप नहीं होता, जानवर इसको बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, यही तो बात है ना? जी। तो सलीम जी आपने मेंथा के बारे में इतनी सारी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे साथ बने रहने और कृषि नेटवर्क से आप जुड़ने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए कृषि नेटवर्क ऐप। आपका दिन शुभ हो।